तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि एक हेमी स्पेरिकल बॉल है, ठीक है ना, एक हेमी स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, रोटेट अबाउट एक्सिस विच इज केप्ट एट द वर्टिकल, स्मॉल ब्लॉक केप्ट इन रोटेट विदाउट स्लीपिंग ऑन इट्स सरफेस। ब्लॉक स्लीप नहीं कर रहा है, इफ द सरफेस इज स्मूथ है, द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक इज थीटा है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल। मतलब किस ओमेगा से घुमाएं कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहे और स्लीप नहीं करे, प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर, अगर ओमेगा जीरो है, अगर लेट करोगे तो, अगर ओमेगा जीरो है तो ब्लॉक विल स्लीप, ब्लॉक विल स्लीप, तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा भाई। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, म्यू जीरो है। तो अगर ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तो देखो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ये पहले आप अच्छे से देखो। तो ब्लॉक पे सबसे पहले देखोगे तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये जो ब्लॉक है वो इस रेडियस में घूम रहा होगा, ऐसे कुछ इस टाइप के रेडियस में घूम रहा होगा। ये सर्कुलर पाथ की रेडियस किसकी है? ब्लॉक की। तो ये वाली जो, हाँ, ये एंगल कुछ दिया हुआ है थीटा, तो ये जो रेडियस आर है इस रेडियस की भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस रेडियस इज आर, दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ, एंड ईयर मास एम है। तो इस बॉब पे अगर देखोगे तो सबसे पहले इस बॉब पे अगर नॉर्मल की बात करोगे तो ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये वर्टिकल वाली लाइन में अपने दो फोर्स आएंगे, एक आएगा अपना एम जी, ठीक है ना, और एक देखते हैं कौन कौन से फोर्स आते हैं। तो एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी इसी लाइन में, वर्टिकल वाली लाइन में, और नॉर्मल आएगा ऊपर इधर इस लाइन में आएगा, सीधे ऐसे आएगा, सेंटर की तरह जाएगा नॉर्मल। तो बस यही दो फोर्स हैं बॉब पे। अगर ये दो फोर्स हैं तो इन दोनों फोर्स को अगर रिजॉल्व कर दोगे तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल इधर को जा रहा है और ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, तो इस लाइन में सभी फोर्स आने चाहिए, सर्कल है तो ये यहाँ से जो नॉर्मल का एक कंपोनेंट, ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा भाई, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, ठीक है ना, एन कॉस थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा, एन साइन थीटा। भाई नॉर्मल का ही क्यों रिजोल्यूशन होगा? और एम जी नीचे लग रही होगी क्योंकि सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स आना चाहिए, तो सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स तभी आएगा जब मैं नॉर्मल को रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये रेडियस आर है, तो इस रेडियस की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, तो इस रेडियस की अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये कैपिटल आर है, ये थीटा है, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाली लेंथ कितनी है यार? ये वाली लेंथ तो अपनी आर है, तो ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बोलो? ठीक है, साइन थीटा लगा दो भाई, ये सीधी वाली लाइन है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल की वैल्यू एन कॉस थीटा, तो एम जी को बैलेंस कर लिया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात आई ही नहीं होगी, ठीक है। और नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल दे रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक काम करना है कि दूसरे वाले में से पहले को डिवाइड कर देना, मतलब ये आ जाएगा टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी टेन थीटा अपॉन स्मॉल आर अंडर रूट। इतने ओमेगा से अगर घूम रहा होगा तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा क्योंकि नॉर्मल सेंटीपिटल दे देगा। अब आर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो जी टेन थीटा को खोल देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आर की वैल्यू हमारे हमारा पहले से है कैपिटल आर साइन थीटा, तो ये यहाँ से अंडर रूट, ठीक है ना। तो फाइनली साइन थीटा ने साइन थीटा को काट दिया, तो जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी अपान कैपिटल आर कॉस थीटा। ये अगर इस ओमेगा से घुमाओगे तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और अगर इससे ज़्यादा घुमाओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर इससे ज़्यादा घुमाओगे तो कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ये देगा, लेकिन अगर इससे कम घुमाओगे तो ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना। एम जी जो है
ब्लॉक डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो अगर इसका स्लीपिंग की टेंडेंसी देखोगे, स्लीपिंग का टेंडेंसी, तो एक बार यहाँ से स्लीपिंग की टेंडेंसी देख लो, ये किधर जाएगा, तो ये नॉर्मल है, और ये तो ये ब्लॉक है, और ये अपना नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एम जी का एक कॉम्पोनेंट अगर तुम देखोगे वर्टिकल में रिजॉल्व, जो एम जी सीधा रख दे, तो एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और एम जी साइन थीटा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अगर एम जी साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश करेगा, और नॉर्मल एन ऐसे है, ठीक है, तो अगर अच्छा खासा नॉर्मल रहेगा, तो एम जी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा, अगर ठीक है, अदरवाइज ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा उसको नीचे ला देगा। तो इतना ओमेगा रखोगे तो बेसिकली ब्लॉक वहाँ पे रेस्ट में रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।